मोहरली में पर्यटन प्रवेश द्वार, संकुल, निसर्ग सूचना केंद्र व अन्य सुविधाओं का लोकार्पण वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार के हाथों संपन्न हुआ। मोहरली में पर्यटन प्रवेश द्वार, संकुल, निसर्ग सूचना केंद्र व अन्य सुविधाओं का लोकार्पण वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार के हाथों संपन्न हुआ। इस अवसर पर राज्य के वन मंत्री तथा जिले के पालक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि बाघ पर्यावरण का मित्र है और ताड़ोबा अंधारी बाघ प्रकल्प यह हमारे लिए भगवान की देन है। दुनिया भर के लाखों पर्यटक ताड़ोबा में आते हैं। बाघ देखने आने वाले पर्यटक यहाँ से चंद्रपुर का नाम अपने साथ लेकर जाता है। ऐसे में पर्यटकों के साथ हमारा बर्ताव अच्छा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ आने वाला प्रत्येक पर्यटक हमारे लिए भगवान समान है। ऐसी भावना राज्य के वन मंत्री तथा जिले के पालक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने व्यक्त की। इस समय वन मंत्री ने जिप्सी एसोसिएशन को 25 लाख देने की घोषणा की। इस समय मंच पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक तथा वन बल प्रमुख शोमिता विश्वास, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक विवेक खांडेकर, वन अकेडमी के संचालक MS रेड्डी, क्षेत्र संचालक तथा वन संरक्षक डॉक्टर जितेंद्र रामगांवकर, उप संचालक कोर आनंद रेड्डी येल्लू, उप संचालक बफर पीयूषा जगताप, उप वन संरक्षक श्वेता बोडू, निसर्ग प्रेमी रमाकांत पांडा, महाराष्ट्र निसर्ग पर्यटन मंडल के सदस्य प्रकाश धारणी, अरुण तिखे आदि उपस्थित थे। इस अवसर पर मुनगंटीवार ने कहा कि प्रसिद्ध उद्योगपति स्वर्गीय रतन टाटा का चंद्रपुर से विशेष जुड़ाव था। रतन टाटा ने वन्य जीवों के रेस्क्यू सेंटर के लिए 25 करोड़ दिए। सरकार व टाटा ट्रस्ट के माध्यम से चंद्रपुर में कैंसर केयर हॉस्पिटल बन रहा है, उसके लिए टाटा जी ने 100 करोड़ रुपए दिए थे। बाबू संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र वाहन के आर्किटेक्ट हेतु टाटा ने 3 करोड़ दिए। कृषि व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने यहाँ के 70 गांव दत्तक लिए। उनके योगदान को देखते हुए स्वर्गीय रतन टाटा का स्मारक चंद्रपुर में बनाया जाएगा, ऐसी जानकारी वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने दी। इस समय निसर्ग सूचना केंद्र को स्वर्गीय रतन टाटा का नाम देने की घोषणा भी उन्होंने इस समय की। कार्यक्रम में ग्राम परिस्थिति की विकास समिति का चेक वितरण किया गया। चरवाहों को स्मार्ट स्टिक भी बांटे गए। सर्व टाइगर प्रोजेक्ट एक्सलेंट वहावे। भारत सरकार ने या अगोदर आमच्या टाइगर प्रोजेक्ट का व्हेरी गुड दर्जा दिलाच आहे आणि एका टाइगर प्रोजेक्ट का एक्सलंट दर्जा दिला। आपल्या सर्वांना माहिती आहे कि आज ताडोब्याचं आकर्षण जगा जागतिक पर्यटकांना आहे। आज शनिवार रविवार ऑनलाइन बुकिंग मिळत नाही एवढं कठिन आहे। या परिसरामधला अजून विकास व्हावा म्हणून पहिल्यांदा आम्ही बफर झोन डेव्हलप करतो आहे। जंगल हे शाप न वाटता वरदान वाटावं, या विभागातील गावांना पर्यटनाच्या माध्यमातून मोठा रोजगार उपलब्ध व्हावा। तुम्ही बघितलं असेल की स्थानिक लोकांना इथं गाईड म्हणून किंवा या ठिकाणी गाड्यांच्या वर असणारे ड्रायव्हर्स म्हणून त्यांच्या स्वतःच्या गाड्या आहेत, त्यांना मोठ्या प्रमाणावर पर्यटनाचं व्हेकल वापरता येतं। या ठिकाणचा पर्यटक वाढावा म्हणून आम्ही एक टुरिझम प्लॅन केला आहे, ज्यामध्ये आता ऑस्ट्रेलियन आणि न्यूझीलंड सफारीला मान्यता दिली आहे, ज्याचा सिंगापूरचा आर्किटेक्ट त्याचं डिझाईन करताय। आणि या माध्यमातून ताडोब्यामध्ये जेव्हा पर्यटक येतील, पर्यटनातून मोठा रोजगारही उपलब्ध होईल आणि पर्यावरणाचं महत्त्व अधोरेखांकित होईल।